नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पहुंचे हैं सरवाना भवन। सरवाना भवन जो है एक साउथ इंडिया की बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चैन है। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है आपको सीपी में दो जगह मिलेंगे। अभी जो हम आए हैं वो जनपथ वाला सरवाना भवन है, एंड जो सेकंड है वो आपको मिलेगा एल सर, जो ब्लॉक एल है, जो मेन आउटर सर्कल है सीपी का, उसके आसपास। तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका एड्रेस भी क्या है, आप गूगल मैप पे इजीली लोकेट कर सकते हैं। और ये वाला जो सरवाना भवन है ये जनपथ पे है, जनपथ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास। और ये है जो मेरी पूरी मंडली, और ये जो आप देख सकते हैं बाहर, रात के 9:30 बज चुके हैं, सैटरडे का दिन था ये, और वीकेंड है तो भीड़ आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अंदर का माहौल है, अगर आप भीड़ ज़्यादा हो और वेट करने का आपका मन ना हो तो कैसे टाइम पास किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। आप अंदर जा सकते हैं, अंदर जाके कुछ खरीद सकते हैं, जो इवन काउंटर पे देखोगे तो मिठाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, तो टेस्ट कर सकते हैं, बाद में आप घर भी लेके जा सकते हैं। तो जो मेरा फेवरेट है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिल्क मैसूर पाक और जो घी मैसूर पाक है, तो ये दोनों मेरे बेस्ट हैं यहाँ पे, जो मेरे को अच्छे लगते हैं। तो हमने गए अंदर और हमने वहाँ से खरीदे। एंड द सेकेंड चीज़, बाहर अगर जो लोकल वेंडर आपको कुछ दिखे तो आप वहाँ से कुछ खा सकते हैं जब तक आपका नंबर रहता है। सैटरडे या संडे अगर आप शाम को जाते हो तो 30-40 मिनट्स आपको वेट करना ही करना पड़ेगा। एक भाई साहब होते हैं गेट के बाहर के, मिलेंगे आपको मोस्टली, और वो उनको आपको नंबर रजिस्टर करना पड़ता है आपको, उसके बाद आपका नंबर आता है। और या फिर अगर आप 30-40 मिनट टाइम पास करना चाहते हो, आसपास जो लोकल वेंडर्स हैं कुछ बैठे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा 40 मिनट तो आप मान के चलिए कि वीक एंड पे, और वीक डेज में आपको 20-30 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो चलिए, हमारा नंबर लग गया लगभग 9:30 बजे आए थे हम, 10:10 पे हमें एंट्री मिल गई थी। हम 7 लोग थे टोटल, इवन आधी एक बच्चा भी था, तो टोटल मतलब 6:30 कर लीजिए, तो 6:30 लोगों को हमें 40 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद एंट्री मिली। अभी इतनी दूर से आए थे चल के, तो डोसा तो आज खाना ही था। तो चलिए, आप देख सकते हैं अंदर का एटमॉस्फेयर एकदम बेसिक, नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता, इवन लाइव क्लीनिंग होती रहती है साथ साथ, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी टेबल्स रेडी हो रहे हैं, ये देखो भाई साहब लगे हुए हैं, कुछ कमी होती है तो वो मतलब इवन साथ साथ साफ कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, जो लोग अभी तो रात के 10:10 हो रखे हैं तो भी ऑलमोस्ट फुल है। इधर वॉशरूम बने हुए अंदर, तो जो जनपथ वाला है वो दो तीन फ्लोर पे है ये अभी, तो आपको वॉशरूम मिल जाएंगे हर फ्लोर पे। और ये ऐसा कुछ मिलता है जो कुछ हिस्ट्री बताता है इसकी, कहाँ कहाँ लोकेशन, तो इंडिया के अलावा भी 43 अदर कंट्रीज़ में लोकेटेड है, और इंडिया में 33 लोकेशंस पे ये आपको मिलेगा सरवाना भवन जो है। और इवन अकेले चेन्नई में इनके 20 ब्रांचेज हैं, और दिल्ली में 3 हैं। और जो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया वो थी लस्सी, आप देख सकते हैं ये सोल्टेड लस्सी है, और मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे प्रेफर करता हूँ इसको। सेकंड चीज़ इज़ रसम, ये एक भाभी ने मैंने ऑर्डर किया था तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ें वर्थ हैं कि आप जब तक आपका डोसा रेडी नहीं होता, आप दोनों में से कोई भी जो ड्रिंक पसंद करते हैं, वो गर्मियों के लिए बेस्ट ड्रिंक है, आप इन दोनों में से कुछ भी मंगवा सकते हैं। इवन स्टार्टर मतलब अच्छी चीज़ है, आपको ट्राई करना चाहिए लस्सी, आई रिकमेंड की लस्सी। अब अगर जो डोसा ऑर्डर किया था हमने, उसमें से पहला डोसा जो था हमारा वो था, ये देख सकते हैं आप, ये रवा मसाला डोसा था। तो अगर आपको रवा का टेस्ट अच्छा लगता है तो रवा ट्राई, उत्पम की जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी सी कम होती है, तो एक नॉर्मल जो बंदा थोड़ा एक डाइट फ्रेंडली खाना खाता है उसके लिए ठीक है, बट बाकी नॉर्मल जो डोसा कोई भी होगा उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको कभी भी मतलब नाराज नहीं करेगी, आपकी जो क्वांटिटी होगी मोर देन सफिशियंट है। और जो इसका प्राइस होता है नॉर्मली 150 से स्टार्ट होकर 200 के बीच में जो मोस्टली डोसा सारे आ जाते हैं। 3 तरह की चटनी और सांभर के साथ डोसा सर्व किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अंदर के लोग थे उनका क्या एक्सपीरियंस था। ये जो आप देख रहे हैं घी कारा डोसा था, एक स्पेशल डोसा था उनका, तो देखिए एक्सपीरियंस क्या थे। भाजी डोसा कैसा है? देख रहा हूँ, पहले पूरा खा के फिर बताएंगे भाजी। पूछो अभी आपका डोसा कैसा है? आदि आदि उत्पम कैसा लगा? बोलो ऐसा ऐसा। विनय भाई कैसा डोसा तेरा? कैसा लगा? सारी वो वाली। अच्छा बताओ, दोबारा बताओ, आदि उत्पम कैसा लगा? तो ये जो क्लिप देखी अभी, आपको आइडिया लग गया होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कैसा नॉइस रहता है। और अब टाइम लैप्स जो तब तक चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सरवाना भवन के बारे में। 1981 में स्टार्ट हुई थी चेन्नई में, जो फर्स्ट चेन थी इनकी,
जो फर्स्ट रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, और उसके बाद टोटल 20 रेस्टोरेंट्स हैं इनके चेन्नई अकेले में। और उसके अलावा मैंने जैसे कि बताया था 43 कंट्रीज़ में, तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें इनके रेस्टोरेंट हैं वो ज़्यादा हैं। और अगर टोटल मैं इंडिया की बात करूँ तो 33 लोकेशंस पे हैं ये इंडिया में। और अगर टोटल एम्प्लॉइज़ की आप, जो इनके एम्प्लॉइज़ हैं वो बेसिकली सारे साउथ इंडियंस होते हैं, जो टोटल एम्प्लॉइज़ हैं इनके वो 8700 एम्प्लॉइज़ हैं अभी तक अगर विकीपीडिया के माने तो। ये मार्च 2019 चल रहा है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो मे बी इन फ्यूचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज रही, आप गूगल करके देखेंगे आपको विकीपीडिया पे कुछ कुछ मिल जाएंगी चीज़ें। बट जो टेस्ट है वो मतलब पिछले 3-4 साल से मैं खा रहा हूँ, मेरे को कभी डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, सांभर के टेस्ट में थोड़ा, क्योंकि देखो वीक मतलब आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि वीकडेज ही प्रेफर कीजिए, वीकेंड पे बिल्कुल मत जाइएगा अगर आपको अपना खाना अच्छे से खाना है। क्योंकि थोड़ा जल्दी में भी रहते हैं, तो अगर आप थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे खाली बैठ के सोचोगे कि मैं मतलब कुछ और वेट कर लेते हैं या बातें कर सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप बाहर खड़े होगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि लोग अंदर बैठ के बातें करें और आप बाहर वेट कर रहे हों। क्योंकि खाने का वेट करना बहुत ही बड़ी मुश्किल बात होती है, और मोस्टली लोग जो आते हैं दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो एक अच्छी मतलब चीज़ भी नहीं है कि हम किसी को वेट करवाएं। तो अगर आप आराम से अपना खाना एंजॉय करना चाहते हैं तो वीक डेज़ में ही आइए यहाँ पे और अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप ग्लासेस देख सकते हैं पानी के, कैसे ग्लासेस सर्व किए जाते हैं, और बाकी नॉर्मल ये प्लेट्स हैं, एकदम क्लीन होता है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कुछ होती है तो। इवन मतलब जो साथ के साथ आपके जो इश्यूज होते हैं, अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो आप इमीडिएट बुलाएंगे, तो इतनी पब्लिक को भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं लोग और अच्छी सर्विस होती है। तो खाना हमारा डन हो गया, प्लेट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, चकाचक कर दिए सब ने। और खाना तो मतलब डिलीशियस नो डाउट, बाकी आपके टेस्ट पे आपकी क्या अच्छा लगे आपको यहाँ का। बाकी एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप सीपी के आसपास हैं। तो हम 6 लोगों ने खाना खाया था, आप बिल देख सकते हो, लगभग 1520 रुपये का बिल बना। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ है, मतलब ज़्यादा भी कुछ है कि एक मीडियम फैमिली अफोर्ड ना कर सके। 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, हमें लगभग 40 से 50 मिनट लगे हमें खाना खाने में। अभी बाहर का हम बाहर निकल चुके हैं, तो अब देखिए बिल्कुल सुनसान हो गया है। जनपद एकदम सामने, जनपद रोड था, ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। बाइक्स वगैरह जो लोग अंदर खाना खा रहे हैं या फिर एक साथ में मैकडी है वो ओपन है, तो उसके लोग हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अगर ऐसी कुछ और नेक्स्ट विजिट रही तो हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।